देखो जो हो रहा है, जो पब्लिक देखती है जमीनी स्तर पे, हम वो बोल रहे हैं और कुछ नहीं। बीजेपी वालों ने कभी किसी भी, हमने तो कभी देखा नहीं कि बीजेपी वाला आ रहा है, किसी नेता किसी की प्रॉब्लम पूछ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ ये क्या करते हैं, तीन तलाक उठा दिया, बावरी मस्जिद कर दिया, क्या चाहते हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट ने ऑफर दिया था कि किराएदार लोग अलग से मीटर लगवा सकते हैं, उनको फ्री में किराया बिजली मिलेगी, या और सारी जो पानी की समस्याएं हैं या करप्शन का है, अभी वहीं का वहीं कुछ खास फ़ायदा नहीं हो केजरीवाल गवर्नमेंट से, तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। केजरीवाल ने जो बोला था वो करके दिया है। किराएदारों के लिए अलग से मीटर लगा है, उनको भी 200 यूनिट फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री मिल रहा है। जो बोला केजरीवाल ने वो करके दिया है। तो जो वायदे इसका मतलब जो किए थे केजरीवाल, आपको लग रहा है कहीं हद तक वो पूरा होने में कामयाब हुए? बिल्कुल, धरती पे हुए हैं, वो खाली कागजी कार्रवाई नहीं हुए, धरती पे हुए हैं, सबको बेनिफिट मिला हुआ है। तो आप आम आदमी से जिसके जिसके जिसको बिल आता था पहले, 200 यूनिट फ्री होगी नहीं हुई, हुई है सबकी। तो आप जो मुद्दा लेके वोट देने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप राष्ट्रीय मुद्दे को सेव कर दिमाग में, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, बॉर्डर्स की सुरक्षा है, जो बाहर के जो कुछ इंट्रूडर्स आए हैं यहाँ, मतलब घुसपैठी जिसको कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उन सारे मुद्दों को देखकर वोट करेंगे, या आज केजरीवाल की लोकल जो मुद्दे हैं उनको देखकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हमें दिल्ली के मुद्दों को देख के वोट करनी है, हमें नेशनल मुद्दों को देख के वोट नहीं करनी। चुनाव हो रहा है दिल्ली का, ठीक है, केजरीवाल ने जो किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो किया है, जो डेवलपमेंट किया है, उसको देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। सर देखिए, ऐसा है, नेता बहुत है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, लेकिन मेन चीज़ यह है कि हम मोदी की सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो आपके मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों को देखकर आप वोट करने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम लोकल मुद्दों को, हम लोकल मुद्दे नहीं है सर, ये राष्ट्रीय मुद्दे है। हम लोग जितने भी यहाँ पे है ना, सिर्फ मोदी के जानते हैं। अच्छा, इससे आगे हम तो जैसे अभी आप एज ए वोटर जो ओखला विधानसभा में आप या दिल्ली के इलेक्शन में आप एज ए वोटर वोट करेंगे, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट अगर आती है तो आप उनसे किस काम की उम्मीद करते हैं? सर देखिए, हम तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या काम करें? सर हम तो यही चाहते हैं, हमारा दिल्ली में जो है ना, हर चीज़ जो है, हर व्यवस्था है, और ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी देश के लिए करते हैं, जैसे बीजेपी के दिल्ली में बनता है, उसी हिसाब से मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भी हो। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कौन है? आपके पापा किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को, केजरीवाल के नाम पर वोट जी झाड़ूगा। दूसरी तरफ केजरीवाल से भी बड़ा नाम है, वो है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री है। छोड़ो ये बात है, ये सबको ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कर रखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है आम इंसान को। आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है, किस लिए है? केंद्र में बैठी हुई सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। एनआरसी सीए इसके बारे में कभी विचार नहीं कर रही। शाहीनबाग में जामे पे पिछले 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी किसी मंत्री ने आकर उनसे पूछा है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है क्या नहीं? क्या बता सकते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली के दिल में क्या है? देखिए, हमारा मानना तो है कि जो काम कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, लोगों के रहने पे ऊपर ध्यान दे रहा है, बिजली है, ये सब लोगों की ज़रूरियात है, और यही सब मेन मुद्दा है, यही मेन परेशानी है। अगर इसको ठीक करने के लिए लगता है लोगों के, हाँ भाई केजरीवाल ठीक है, तो ठीक है केजरीवाल, मेरी तरफ से तो ठीक है भाई, बाकी आवाम के अंदर क्या है वो आवाम बताएंगे। कौन सा नेता पसंद है आपको? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? मोदी तो इतना बड़ा है, फिर केजरीवाल पसंद? अंकल उन्होंने हमारा स्कूल बनाया है एनएफसी का, उसमें 2 स्कूल शिफ्ट हो गए। अच्छा, और सड़क भी बनवा रहा हमारी गली 44 की। तो स्कूल तो पहले से भी था जोगा भाई में? वो दो बनाए ना, जोगा भाई ना एनएफसी में। तो अभी जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं आई जो पहले नहीं थी? बिल्डिंग है, पढ़ाई यहाँ। अच्छा, और टीचर, ग्राउंड, बिल्डिंगे नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं आए। अभी एक्सीडेंट हो जाता है तब लोग पहुंचा देते हैं, कोई उनसे वेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई इतना जांच पड़ताल नहीं होता, तो ये सब चीज़ें हैं। आप दिल्ली में कई जगह पोस्टर देखे होंगे जहां पे लिखा हुआ है 370 CA NRC। ये मुद्दा नहीं है, ये लोगों का जहन खराब करना है। हाँ, बीजेपी तो हाँ, तो ये लोगों का जहन खराब करने के लिए है ये सब। ये अगर उनके पास एक उनके पास कोई थाट है ही नहीं, वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ना लोगों के बारे में कि हाँ भाई हम क्या देंगे, हम क्या आउटपुट देंगे, क्या डिलीवर करेंगे लोगों को। यही डिलीवर कर रहे हैं कि एक खून दूसरे खून में मिला के उसको खराब कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों के बाद दिल्ली में इलेक्शन आएगा,
तो आपके घर वाले किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। सबसे अच्छा कौन है? केजरीवाल जाएगा। केजरीवाल आएगा, क्यों आएगा केजरीवाल? काम अच्छे करे उन्होंने, सब अच्छे ही काम करे, हॉस्पिटलों में जगह वाली अच्छी कर दी है, बसों का फ्री कर दिया, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, जिसकी सुविधा है और क्या चाहिए आदमी को। दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में केजरीवाल, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सर अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल जो मेन प्रॉब्लम होती है ना इंसान की, जो डेली वेज की, रोजमर्रा की, गरीब इंसानों की प्रॉब्लम सब दूर कर दी, एजुकेशन, हेल्थ और तुम बिजली का और ये पानी, ये सब चीज़ तो अच्छा कर रखा है उन्होंने। क्या चेंजिंग हुई है? स्कूल बहुत बहुत ही खराब था, अब सही बन गया है। अच्छा। और निजी सुविधाएं हो गई, हर चीज़ आ गई स्कूल में। आप जानते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। भाई हिंदू मुस्लिम आम जनता हर चीज़ में परेशान है इस टाइम। इन्होंने एक NRC और CIS लाकर खड़ा कर दिया है कि सबके माइंड डाइवर्ट इधर कर दें। और जो प्रॉब्लम है जैसे कि रोजमर्रा की रोजगार नहीं है लड़कों पे, इंजीनियर आज बेचारे ठाली घूम रहे हैं, जो एक इंजीनियर होता है एक भविष्य होता है, फ्यूचर होता है देश का, किसी पर फोकस नहीं कर रहे। देश की अर्थव्यवस्था देख लो आप कहाँ है, डाउन है, मार्केट में पैसे नहीं, पब्लिक रोजगार से परेशान है और महंगाई आसमान छू रही है। क्या कर रहे हैं ये? सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब जाएगी ना तो इन लोगों को भी विजय माल्य की तरह बाहर भागना है। केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल की खुद नहीं सुनती ये, अगर उसको कोई बिल भी पास कराना है तो राज्यपाल से कराएगा। राज्यपाल किसका है? बीजेपी का है। क्या होगा बेचारा केजरीवाल के, जो उसके बस की है, जो उसके लेवल पर आता है वो सब कुछ कर रहा है पब्लिक के लिए, ऐसा नहीं है। और जैसे CM ये है ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में ऐसे पढ़ा लिखा और समझदार CM होना चाहिए। हाँ तो सब नेता वही कर रहे हैं, मोदी जी टैक्स के पैसा से विदेश घूम रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, सारे पैसा टैक्स का खर्चा हो रहा है। तो यानी केजरीवाल के फंदे में आ चुके हैं आप? केजरीवाल को ही देना है, हम कुछ सोचना भी नहीं है, केजरीवाल को ही देना वोट। दिल्ली के दिल में क्या है? ओखला ही नहीं, पूरी दिल्ली के दिल में जो केजरीवाल ने कैंपेन चलाया अभी और नारा है उनका, अच्छे भी थे 5 साल लगे रहो केजरीवाल। क्या आप बता सकते हैं कि केजरीवाल का सबसे अच्छा काम कौन सा आपको पसंद आया है? बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने अच्छा काम किया है ख़ास तौर से, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसके अलावा हेल्थ में और बिजली 200 यूनिट फ्री है, बहुत सारी चीज़ें। इलेक्शन अपने चरम पर पहुंच गया है और सारे नेता लोग अपने अपने वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं, कोई सी भी पार्टी के हो, तो कुछ बताएंगे अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी माहौल बन गया है या अभी भी कुछ बनाने में टाइम लगेगा? अभी माहौल बना हुआ है सर BJP का। अच्छा। BJP यहाँ पे सब जितने व्यक्ति हैं तो मतलब आप यहीं के वोटर हैं दिल्ली के या कहीं और के भी? तो ओखला विधानसभा ही में है या कहीं? अच्छा, तो आपकी पार्टी के उम्मीदवार कौन से मालूम है आपको? ब्रह्मा सिंह है। तो मतलब फाइनल बन गया आपका वोटर? अच्छा, तो कुछ खास चीज़ जो उनकी पसंद आई हो ब्रह्मा सिंह की? मोदी जी के ओनली फॉर मोदी, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा, तो देश के हित के लिए जो सोच रहा है हम लोग, केजरीवाल आ रहे हैं। अच्छा। केजरीवाल को वोट दिया जाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको केजरीवाल आ रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है भैया, जैसे सबके लिए बस फ्री कर दिया, पानी बिजली, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। अच्छा। पसंद कौन ज्यादा, किसको ज्यादा पसंद करते हो? करते तो कांग्रेस को है। अच्छा। लेकिन अभी आम आदमी ज्यादा काम कर रही है इसलिए। अच्छा। मोदी क्यों नहीं पसंद है? NRC लागू कर रहा है, पहले अपने तो पासपोर्ट दिखाएगा, जब तो हमारे देखेगा, पहले अपने पेपर दिखाए। अपनी अपनी चॉइस होती है।